Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and you all are most welcome in this new lesson. So guys, in this lesson we are going to talk about pair words. आज मैं आपको बताऊंगा English language में जो pair words होते हैं वो क्या होते हैं और उनको कैसे हम exactly अपनी language में use करते हैं. तो video को start करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा मैंने और भी lesson बना दिए हैं, तो अगर आपने वो lesson नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं. चैनल पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है. कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि बेसिक्स इंग्लिश कैसे सीखी जाए, तो उसके लिए ही मैंने ये कोर्स पूरा तैयार किया है. आप जो प्लेलिस्ट है उस पर आप क्लिक करना, तो आपको 1 से लेके पूरे 50 के आसपास अभी लेसन है. बाकी लेसन मैं ऐड कर रहा हूँ, आप सारे देखना, आपको सबको समझ में आएगा. अगर फर्दर आपको कोई डाउट आता है उसके बाद भी, तो आप ज़रूर मेरे से पूछ लेना कमेंट करके, मैं आपको बताऊँगा. तो चलिए बात करते हैं पेयर वर्ड्स के बारे में. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखते हैं पेयर वर्ड्स क्या होते हैं और इनको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं. तो अगर हम पेयर वर्ड्स की बात करें तो बेसिकली 4-5 तरीके के पेयर वर्ड होते हैं. तो पहले आप ये देखिए, यहाँ पर वर्ड आ रहा है पेयर. पेयर का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा. यहाँ पर जोड़ा किसका? यहाँ पर जोड़ा है वर्ड का. तो जब दो वर्ड मिलते हैं आपस में तो एक पेयर वर्ड बनता है. इसका मतलब ये नहीं है आप कोई भी वर्ड मिला दो और एक पेयर वर्ड बना दो. कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो आपस में मिल के पेयर वर्ड बनाते हैं. ऐसे ही कुछ वर्ड की हम बात करें तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड आता है उसे बोलते हैं शुड हैव. पहला पेयर वर्ड क्या है? शुड हैव. अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ. तो शुड हैव, देखिए यहाँ पर शुड एक वर्ड है और दूसरा हमारा क्या है? हैव. तो ये दोनों मिलके एक अपना नया मतलब बनाते हैं. इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो शुड का हम लोग यूज़ करते हैं टू गिव एडवाइस, और हैव का तो कई तरह से यूज़ होता है. अगर हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है तो हम लोगों का काम अभी भी ख़त्म हुआ है. ये हमने हैव का यूज़ किया था. लेकिन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पेयर वर्ड के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे. तो शुड और हैव को मिला देंगे तो हमारा एक पेयर वर्ड बन जाता है जिसका नाम होता है शुड हैव. हमारा दूसरा पेयर वर्ड होता है मे हैव. तीसरा हमारा पेयर वर्ड है माइट हैव. उसके बाद हमारा आता है मस्ट हैव. पहली बात आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने आपको पेयर वर्ड बनाना बताए हैं वो मैंने हैव का यूज़ करके बताया है. यहाँ देखिए, यहाँ में सब में कॉमन क्या है? हैव कॉमन है ना. तो मैंने हैव का यूज़ करके आपको पेयर वर्ड यहाँ पर बनाना बताए हैं. नॉर्मली जो पेयर वर्ड्स बनते हैं वो हैव का यूज़ करके ही बनते हैं, ये है पहली बात. दूसरी बात आपको याद ये रखनी है, जितने भी इस तरह से हमारे पेयर वर्ड बनते हैं, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, इन सब का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ पास्ट में करते हैं. प्रेजेंट में या फ्यूचर में इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है. दो बातें क्लियर हो गई, पेयर वर्ड क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया, पेयर वर्ड कैसे बनते हैं आपको क्लियर हो गया. ये आपका हुआ बेसिक. अब हम बात करते हैं इनके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, एक एक करके समझेंगे. पहले बात करते हैं हम लोग शुड हैव के बारे में. अगर हम दोस्तों शुड हैव की बात करें तो शुड हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं? शुड हैव का हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट में. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि चाहे हमारा कोई भी पेयर वर्ड हो जो हैव के साथ अगर बन रहा है तो उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? पास्ट में करते हैं. अब आप बात समझिएगा, यहाँ पर शुड हैव तो आप लिखेंगे, फॉर्मूला तरीका क्या है उसको बोलने का? शुड हैव के बाद अगर कोई आप वर्क लगाते हैं, अगर कोई आप वर्ब का यूज़ करते हैं, कोई एक्शन अगर आप लगाते हैं, तो आपको इसकी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है. याद रखना, यहाँ सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग, शुड हैव के बाद हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं. जैसे कि ही शुड हैव गॉन, ही शुड हैव कम. क्लियर है? ये तीसरी बात है. देखो मैंने आपको तीन बातें बताई हैं. पहली बात मैंने आपको ये बता दी बेसिकली कि किस तरीके से ये शुड हैव वगैरह बनते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर शुड हैव आ रहा है तो उसमें उसका इस्तेमाल हम लोग पास्ट में ही करेंगे, हैव अगर आ रहा है तो. और तीसरी बात मैंने बताई है, इन सब के बाद अगर हैव आ रहा है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं. अब आपके लिए सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा. सेंटेंस थोड़ा बना के हम लोग देखते हैं. अब ये जो शुड हैव है, स्पेसिफिकली अगर आप इसकी बात करें दोस्तों, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं टू रियलाइज द मिस्टेक. जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसने कोई गलती कर दी, उसको उसकी गलती का एहसास कराने के लिए, जो गलती हो गई है, कि तुझे तो यार ये करना चाहिए था, तुझे वो करना चाहिए था. हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम किसी को पास्ट में एडवाइस देते हैं या उसकी की गई गलती का एहसास कराते हैं, तो वहाँ पर हम लोग शुड हैव का यूज़ करते हैं. फिर बता दूँ, शुड हैव के बाद जो भी वर्क आएगा, वर्ब आएगी, उसकी थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे. सब मैंने आपको पढ़ाया है. अगर आपने बाकी के लेसन नहीं देखे हैं, शुड मैंने आपको पढ़ाया है, हैव मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप ज़रूर एक बार चैनल पर जाके देख लेना. क्लियर हो गई बातें? अब हम सेंटेंस बनाएंगे. जैसे मान लो मुझे आपको आपकी गलती का एहसास कराना है, आई वॉन्ट टू मेक यू रियलाइज योर मिस्टेक. तो यहाँ पर मैं कैसे बनाऊंगा सेंटेंस? ये बनेगा यू शुड हैव और उस काम का थर्ड फॉर्म, जो भी गलती आपने की उसकी यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी. अगर यही बात ही को करानी है तो ही शुड हैव, सी को करानी है तो सी शुड हैव. क्लियर है बात? सिंपल है. जैसे कि
यू शुड हैव कम ऑन टाइम. अब कम की थर्ड फॉर्म तो कम ही होती है, कम केम कम. ही शुड हैव कम ऑन टाइम. ही शुड हैव प्लेड यस्टरडे. ही को तो कल खेलना चाहिए था, ही शुड हैव प्लेड यस्टरडे. प्ले की थर्ड फॉर्म मैंने यूज़ की है. अगर आपको दोस्तों मना करना है तो आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे. यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर नॉट इन दोनों के बीच में लगेगा, शुड और हैव के बीच में नॉट लगेगा. जैसे ही को ये नहीं करना चाहिए था, ही शुड नॉट. तुम्हें नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट. और सी को नहीं करना चाहिए था, तो सी शुड नॉट. बात आई समझ में? पास्ट में हमने बनाया, और कैसे बनाया, ही के साथ यू के साथ. अब यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ वर्ड दे रहा हूँ, आप जरा बना के देखिएगा. सबसे पहला हमारा वर्ड आता है यहाँ पर टेक मेडिसिन. मेडिसिन खाना, मेडिसिन लेना. तो मुझे अगर आपको बोलना है, तुम्हें तो यार दवाई लेनी चाहिए थी, तो आप अपने माइंड में बनाइए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और बना के देखिए. बना पा रहे हैं आप? आपको टेक की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज टेकन. तो ये बनेगा यू शुड हैव टेकन मेडिसिन. टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन. यू शुड हैव टेकन मेडिसिन. ही को दवाई लेनी चाहिए थी, ही शुड हैव टेकन मेडिसिन. नहीं लेनी चाहिए थी, ही शुड नॉट हैव टेकन मेडिसिन. नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हैव की बात तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये मैंने आपको बात बता दी है. एक और हमारा देखते हैं, अगला हमारा है ज्वाइन इंडियन आर्मी. यार तुम तो काफ़ी अच्छे हो, आपकी फिजिक भी काफ़ी अच्छी है, तो आपको तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए थी. तो कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव ज्वाइंड इंडियन आर्मी. मतलब उसने कुछ और ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप उसे बोल रहे हो कि तुम्हें तो यार ये करना चाहिए था. ऐसे ही आप इसको सबके साथ बना सकते हैं. ये 6 सेंटेंस मैंने आपको दिए, सबके साथ आप बना सकते हैं. अगला है टीचर. अब टीचर यहाँ पर ध्यान देना, टीचर यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये कोई वर्क नहीं है, ये कोई वर्ब नहीं है. तो जब भी कोई वर्ब नहीं होता है, क्योंकि टीचर एक ऑक्यूपेशन है, और ऑक्यूपेशन हमेशा एक नॉन वर्क होता है, तो उससे पहले हम लोग बी लगाते हैं. मैंने आपको पढ़ाया है ये. तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा? यहाँ बनेगा यू शुड हैव. अब आपको पता हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन फॉर्म तो यहाँ पर कोई है नहीं है, तो यहाँ पर बी की हम लोग थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो बन जाएगा बीन. तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव बीन टीचर. समझ रहे हैं आप? ही शुड हैव बीन टीचर. ही को तो यार टीचर होना चाहिए था, ही को टीचर बनना चाहिए था, ही शुड हैव बीन टीचर. शी शुड हैव बीन टीचर. यू शुड नॉट हैव बीन टीचर. बना पाएंगे ना सेंटेंस आप? तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया वर्क के साथ कैसे बनता है शुड हैव, और आपको मैंने बताया बी के साथ, यानी कि कोई नॉन वर्क है उसके साथ कैसे बनता है. ये तो बात हुई शुड हैव के बारे में. बात करते हैं मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव के बारे में. मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का यूज भी हम लोग पास्ट में करेंगे, और इनके बाद भी हम लोग ध्यान देना थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. यहाँ बहुत गलती होती है लोगों को, तो आप ध्यान समझिएगा इसको. तो वी यूज़ मे हैव, माइट हैव एंड मस्ट हैव इन पास्ट. पहला आप मुझे बताइए, आपको ये पता है मे, माइट, मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं? मैंने आपको फ्यूचर में पढ़ाया था, जब फ्यूचर में हमारी पॉसिबिलिटीज़ होती है, संभावना होती है, तब वहाँ यूज़ करते हैं. किसी काम की संभावना 100% है तो हम मस्ट यूज़ करेंगे. अभी मैं हैव की बात नहीं कर रहा हूँ. उससे कम है तो हम बोलेंगे मे, और सबसे कम है तो बोलेंगे माइट. पक्का माइट होगा शायद ही, और मे होगा शायद. अब इसी कंसेप्ट को आपको पास्ट में लगाना है, जैसे कि वो शायद वहाँ गया होगा. आपको नहीं पता है, पॉसिबिलिटी है, जाएगा नहीं, वो शायद वहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा मे के साथ. लेकिन मैं बता रहा हूँ वो शायद वहाँ गया होगा. जैसे किसी दोस्त की शादी हुई है, और आपने पूछा यार वो गया था क्या वहाँ पर, क्या कल वो आया था? हाँ यार शायद आया होगा, शायद ही आया होगा. समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं किसका? मे, माइट और मस्ट का. आप पे डिपेंड करता है कि आपकी नज़र में पॉसिबिलिटी क्या है. अगर आपकी नज़र में पॉसिबिलिटी पक्का है कि यार हाँ वो तो गया ही होगा वहाँ पर, तो ही मस्ट हैव गॉन देयर. तुम गए होगे वहाँ पर, यू मस्ट हैव गॉन देयर, यू माइट हैव गॉन देयर. बन जाएगा ना सेंटेंस? तो सेंटेंस बना के देखते हैं. जैसे कि मुझे बोलना है तुम तो वहाँ शायद गए होगे, यू मे हैव गॉन देयर. यू मे हैव टॉट यस्टरडे, ही मे हैव टॉट यस्टरडे. याद रखना यहाँ पर ही के साथ हम लोगों ने हैव का यूज़ करा है, हैज़ का यूज़ मत करना, क्योंकि माइट के बाद हैव आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर बनने का ही माइट हैव. ही माइट हैव, मे हैव, मस्ट हैव, कुछ भी आप लगा सकते हैं. टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस पॉसिबिलिटी में बोलना चाह रहे हैं. क्लियर है बात? सी के साथ बनेगा सी मस्ट हैव. यू के साथ बनेगा, मना करेंगे यू के साथ या ही के साथ मना करेंगे, तो ही मस्ट नॉट हैव, यू मस्ट नॉट हैव, सी मस्ट नॉट हैव. वो तो वहाँ नहीं गया होगा, ही मस्ट नॉट हैव गॉन देयर. मैंने आपको एक सेंटेंस ले, एक मैंने आपको वर्ड लेके बताया, आप और भी बना सकते हैं. जैसे बना के देखिए, सबसे पहला है गो फॉर पार्टी.
अब इस गो फॉर पार्टी को आप इन 6 सेंटेंस में लगा के देखिए, आप बना पाएंगे। तुम तो पार्टी में शायद गए होगे, यू मे हैव गॉन इन द पार्टी। ही शायद ही गया होगा, ही माइट हैव गॉन इन द पार्टी, सही है ना। और सी तो पक्का गई होगी, सी मस्ट हैव गॉन इन द पार्टी। मना करेंगे यू मस्ट नॉट हैव और माइट नॉट हैव और मे नॉट हैव, बना सकते हैं आप सेंटेंस। कंसेप्ट समझिए दोस्तों, कंसेप्ट समझेंगे अब आराम से बना लेंगे। तो जब भी हम लोग बताएंगे कि उसने ये काम किया होगा पास्ट में, पॉसिबिलिटी की बात है, आपको भी नहीं पता, तब आप वहाँ पर यूज़ करेंगे मे माइट मस्ट और मस्ट हैव का। क्लियर है बात। ऐसे बना लेंगे आप स्पीक इंग्लिश के साथ, और आप बना लेंगे बी स्मार्ट के साथ। अब स्मार्ट यहाँ पर कोई वर्क नहीं है, तो बी जो आएगा आपका, बी के साथ आप लोग क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे बी की, दैट इज बीन। ही माइट हैव बीन स्मार्ट, वो वहाँ पर बहुत स्मार्ट बना होगा, मुझे पता है। जब वो मेरे सामने स्मार्ट बनता तो वहाँ भी बना होगा। बात आई समझ में? तो दोस्तों ये था शुड हैव, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव के बारे में पूरा लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन, आप जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने सारी डिटेल दी हुई है। अब यहाँ पर आपका काम आता है, आपको मैंने यहाँ पर सेंटेंस तीन वर्ड दिए हैं, पहला है प्ले चेस, दूसरा है डांस इन द पार्टी, और तीसरा है अब्यूज हिम, चेस खेलना, पार्टी में नाचना, और उसके बाद है गाली देना उसको। इन तीनों का आपको इस्तेमाल करना है शुड हैव, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव के साथ। पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों बना के दिखाइए आप मुझे, देखते हैं कितने लोग मुझे कमेंट में बना के बताते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है। आप बस एक काम करिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, सभी जगह फैला दो दोस्तों। बाकी लेसन अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।